वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परेश जैन। आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कोकन राइड के बाद ये पहली मेरी ऐसी बड़ी राइड है जो कि मैं करीब करीब यहाँ से मुंबई से 270 किलोमीटर की राइड है और टूवर्ड्स महाबलेश्वर के लिए, और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और करीब करीब यहाँ से 5 घंटे और 24 मिनट का रास्ता बता रहा है। मेरे साथ इस वक्त आज के दिन जो है 3 दोस्त और है, जिसमें से एक का नाम है जीतू भाई, जो कि इस वक्त ठीक मेरे सामने बुलेट चला रहे हैं, और उसके बाद दूसरा जो मेरा दोस्त है उसका नाम है भरत, जो आगे जा चुका है, और तीसरा जो दोस्त है मेरा जो कि खुद एक यूट्यूबर है और बहुत ही अच्छा फिटनेस फ्रीकर इंसान है, जिसका नाम है गौरेश, वो भी इस वक्त मेरे आगे है। तो आज की इस राइड में मुंबई से महाबलेश्वर के लिए हम टोटल 4 लोग हैं, जो कि करीब करीब 270 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता बारिश में होते हुए, बारिश में बाइक की राइड करते हुए सीधे पहुंचेंगे महाबलेश्वर। तो इस वक्त हमने हमारी बाइक रोकी है, पनवेल से जो हम राइड टर्न लेते हैं टूवर्ड्स लोनावला के लिए, खंडाला वाला जो रोड पकड़ने के लिए, उसके लिए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे, क्योंकि जीतू भाई जो है बहुत पीछे रह चुके हैं। जैसे बता दूँ दोस्तों कि पनवेल का ये जो जंक्शन है, सारे बाइकर जो यहीं पे अपनी बाइक रोक के चाय कॉफ़ी का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सबका ये मीटिंग पॉइंट भी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, तो बड़ी मुश्किल के बाद में अब जीतू भाई हमें मिले हैं, आगे खड़े हैं, और इस वक्त भी उनकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि अगर मैं पीछे से उन्हें आवाज़ नहीं देता तो वो फिर से एक बार आगे चले जाते और पता नहीं कहाँ मुलाकात होती उनसे। और जीतू भाई को थोड़ा अभी हम समझाएंगे कि स्पीड 60 पे चलाएं ताकि एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि वो बहुत धीमे से चला रहे हैं। ऐसा होने पर क्या होता है कि अक्सर वो पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं तालमेल जो है फिर से बिगड़ जाएगा। मेरे जीतू भाई ऑल सेट, साथ में चलेंगे। हाँ, एक्सप्रेस आ जाएगा, पूरा मजा ले लिया आपने। मैं एंटर कर चुके हैं, तो एंटर करते ही यहाँ पर भी 50 रुपये की जो है स्लिप पड़ती है एंट्री का चार्ज, उसके बाद ही आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो हम सीधे यहाँ पे 4 टिकट्स बाय कर ली हमने यहाँ पे एंट्री की 50 रुपीज़ के हिसाब से, और जीतू भाई जो है इस वक्त यहाँ पीछे रह चुके हैं, तो हम उनका वेट करेंगे। तो यहीं पर आगे लेफ्ट में बाइक रोक के हम जीतू भाई का वेट करेंगे, क्योंकि उनके पास भी हमने ले ली है, तो उनका कहीं डबल चार्ज ना लग जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्टे है होटल राजेश में, तो हम इस वक्त हमारे मंजिल के बहुत पास पहुंच चुके हैं, बहुत पास यानी कि मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे फटाफट जाके बाइक पार्क करेंगे, अपने अपने रूम में चेकिंग करेंगे और फिर खाना खाएंगे, बिकॉज बहुत ज़ोर की भूख लगी है। दोस्तों, इस वक्त जो है हम होटल राजेश में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो हम खाना खाने के लिए यहाँ पे सामने रेस्टोरेंट है, जहाँ पे अला कार्ट सिस्टम है, बुफे बंद है, यहाँ की थाली बहुत अच्छी मिलती है, पर कोविड के चलते वो सब कुछ बंद है। तो हम यहाँ पे अभी फूड ऑर्डर करेंगे, और जैसा कि आप जानते हो थोड़ा बहुत नाइट चीट सुबह में कर चुका हूँ, एक वड़ा पाव, एक चाय पी चुका हूँ मैं,
और तो इसलिए मैं यहाँ पे अब लंच में कोई चीट नहीं करूँगा। जो मेरा रेगुलर प्लान है डाइट का, जो राइस ही खाऊँगा मैं यहाँ पे। और मेरे साथ इस वक्त भरत और जीतू भी है। गौरेश इस वक्त हमारे साथ में नहीं आया क्योंकि उसके डाइट बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है, तो वो उसने अपना सारा मील जो है अपने घर से कैरी किया है, तो वो इस वक्त रूम में ही आराम कर रहा है। और मैं, भरत और जीतू भाई यहाँ पर अभी लंच के लिए आए हैं, तो चलो लेके चलता हूँ रेस्टोरेंट में आपको। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे लंच किया है। लंच बहुत ही टेस्टी था, दाल फ्राई, जीरा राइस और पनीर की सब्ज़ी थी, बहुत ही मज़ा आया खाने का। और मेरे साथ में जीतू भाई और भरत है, जिन्होंने भी फूड का बहुत बहुत मज़ा लिया है। जीतू भाई और भरत की मेरे हिसाब से ये इनकी पहली राइड थी लॉन्ग राइड में, और लॉन्ग राइड जो शुरुआत जो उन्होंने की है वो एक साथ में 6-6.5 घंटे की राइड की है, तो इस बात के लिए मैं बहुत बहुत इनको इनकी तारीफ़ करता हूँ और बहुत बहुत इनकी हौसला अफजाई भी करता हूँ। तो मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि जीतू भाई से इस वक्त उन्होंने इस राइड को कितना एंजॉय किया, क्योंकि बहुत ही आराम से स्लो से सबसे पीछे चल रहे थे ये, तो उनकी ये स्लो चलने की वजह राइड ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कि डर के वजह से कर रहे थे, ये मैं उनसे जानना चाहूँगा। और कितना मज़ा किया, जीतू भाई से बात करता हूँ। जीतू भाई रिप्लाई प्लीज़। ये मेरी पहली राइड थी ना, उसकी वजह से थोड़ा संभल के चलना है। ओके, और ये ट्रिप का एंजॉय लेना है। मजा आया राइड में? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। इससे पहले कभी को राइड की जीतू भाई? नहीं, इतनी लॉन्ग राइड नहीं की। ओके, तो भरत भी इस वक्त मेरे साथ में, भरत अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। उसकी नई बाइक जो है वो अगले वीक में आने वाली है, रॉयल इनफील्ड की बाइक ली है। कौन सी बाइक ली उस बारे में भी भरत बात करेगा, और भरत का आज का एक्सपीरियंस क्या है वो इसमें शेयर करेगा। मैंने बाइक ली है मीटियोर 350 रॉयल इनफील्ड की, और आज जो ट्रैवलिंग किया है जो 6-6.5 घंटे का, उसमें ऐसा लगता है कि रियली आगे और प्रोग्राम बनाना चाहिए और नए नए डेस्टिनेशन का प्रोग्राम है। ये लेह लद्दाख का आगाज है। लेह लद्दाख की आगाज जो हमने यहाँ से शुरू की है महाबलेश्वर से, ये दोनों लेह लद्दाख मेरे साथ में आने वाले हैं, और मोस्टली हम सितंबर या अगस्त में ये प्लान कर रहे हैं। तो उसके शुरुआत करने के पहले, जो शुरुआत जो हमने महाबलेश्वर से की है, इस दरमियान हम 2-3 ट्रिप और मारेंगे, राइड के लिए जाएंगे, और जो फाइनल राइड रहेगी वो रहेगी लेह लद्दाख के लिए। दोस्तों यहाँ होटल राजेश में जिस रूम में हमने स्टे किया है, वो रूम मैं बहुत लग्जरी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्टैग लोगों के लिए इससे बेहतर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और फूड तो बहुत ही टेस्टी था। तो एक रूम को मैं आपको एक शूट करके दिखाता हूँ कि रूम कैसा है, और इसके बाहर का जो व्यू है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ इस वक्त। दोस्तों एक गौरेश मेरे साथ में है, जो कि इसका खुद का एक YouTube चैनल भी है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है राइडिंग के और जिम के, वर्कआउट के, डाइट के, काफ़ी अच्छे अच्छे रील्स भी बनाता है। तो आज गौरेश और ये मेरी पहली राइड है, साथ में हम लोग राइडिंग के लिए आए हैं। इसका YouTube चैनल भी है ऑप्टिमिस्टिक YouTube चैनल GPK ब्लॉग्स, और Instagram पे इसका ID ऑप्टिमिस्टिक है, आप इसे फॉलो कर सकते हो दोनों जगह पर, और मैं भी इसके काफ़ी वीडियोज देखता हूँ। तो आज गौरेश के साथ ही हमारी पहली राइड थी और बहुत ही इन्जॉय किया हमने राइड में। तो गौरेश ने कितना इन्जॉय किया, इसमें कितना मज़ा है, इस बारे में गौरेश अब आपको थोड़ी बातें बताएंगे अपने बारे में। अब लोग के साथ एक्चुअली हम दोनों ने पहले राइड कर चुके हैं इंडिविजुअली, और जो दो और राइडर्स हैं मतलब उनका तो फर्स्ट टाइम है, पर उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा कोपअप किया, और अगर ऐसे आते रहेंगे तो और भी अच्छे से राइड करेंगे। बस तो आप लोग भी इसे देख के थोड़ा सा प्लान कीजिए राइडिंग का, राइड को एंजॉय कीजिए, बिकॉज सोलो राइडिंग और ग्रुप राइडिंग का एक अपना अलग मज़ा है। फैमिली के साथ जब आप घूमने जाते हो तो उसका एक अलग मज़ा है, लेकिन जब आप सोलो राइडिंग के लिए जाते हो या सोलो ट्रैवलिंग के लिए जाते हो अकेले या दोस्तों के साथ, तो उसका एक अलग ही फ़न है। और जब आप ऐसी कुछ अकेले राइड करते हो तो कुछ नई नई जगह आप एक्सप्लोर करते हो, कुछ नए नए लोकेशंस को आप ढूंढते हो। तो आज जब मैं यहाँ महाबलेश्वर में करीब करीब मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद मैं आज महाबलेश्वर आया हूँ, तो आज हम प्रॉपर महाबलेश्वर घूमने के मूड में नहीं है, क्योंकि महाबलेश्वर का चप्पा चप्पा मैंने 7-8 साल पहले और उसके भी पहले कई बार एक्सप्लोर कर लिया है, वो सब देखने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ से ठीक 19 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है तापोला। तापोला के बारे में मैंने पहले भी रिसर्च किया था, लेकिन मैं जा नहीं सका, क्योंकि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए हर कोई आपके साथ तैयार नहीं होते, लेकिन मुझे जाना था। तो आज हमने डिसाइड किया कि यहाँ से 19 किलोमीटर बाइक राइड करते हुए हम तापोला जाएंगे। वहाँ पे ब्यूटीफुल सा लेक है, चारों ओर ग्रीनरी है, ट्रैकिंग का भी मज़ा आएगा, और वहाँ पे छोटी छोटी हट्स भी है स्टे करने के लिए। तो
तो हम यहाँ से अभी आधे घंटे बाद तपोला की ओर बढ़ेंगे और वहाँ के खूबसूरत वीडियोस को शूट करके आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप महाबलेश्वर आते हो तो एक और आपको महत्व की जानकारी दे देता हूँ मैं इस वक्त जो हमारे साथ हुआ है। अगर आप महाबलेश्वर में आते हो, आपको यहाँ पे स्टे करना है, तो होटल वालों को कंपलसरी यहाँ पे ये रूल्स है BMC की तरफ से कि हर आने वाले व्यक्ति का यहाँ पे कोविड टेस्ट करना पड़ता है। तो अभी होटल से हमें कार में बिठा के पास के नज़दीकी एक अस्पताल में लेके आए हैं जहाँ पे हम चारों का कोविड टेस्ट होने वाला है। तो हम चारों बारी बारी घर के अंदर जा रहे हैं हमारे कोविड टेस्ट के लिए, जो कि चार्जेबल नहीं है, नॉमिनल जो इसकी फ़ीस रहती है 10 रुपये उतनी कुछ है। तो बैंड बजने वाली है, एक का भी पॉजिटिव आया तो फिर टेंशन बढ़ जाएगा। तो अभी हम सीधे इसके अंदर जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, अभी तक हमारे जो है नूज़ में हल्का सा पेन है और आंखों से पानी आ चुका है। पता नहीं रिपोर्ट क्या आएगी, जैसे हमें नहीं पता रिपोर्ट क्या आने वाली, पर यही रिपोर्ट का एक फ़ोटो खींच के हमें होटल में देना पड़ेगा अभी। और जैसा इन्होंने हमें बताया, इन्होंने हमसे कहा कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो यहीं पास में पंचगनी में हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट होना पड़ेगा। आई डोंट नो, ये ऐसे या तो बाइक लेके हमें वापस से मुंबई निकलना पड़ेगा। पता नहीं क्या हमारी हालत करने वाला है ये। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इतना सीरियस स्ट्रिक्ट कानून है तो डेफ़िनेटली रात को हम लोग यहाँ पे स्टे नहीं करते और हम लोग तुरंत बाइक राइड करके रात को ही घर पे चले जाते। बट क्योंकि राइड बहुत लंबी थी तो हमने सोचा कि एटलीस्ट थोड़ा सा आराम भी करना बहुत ज़रूरी था। लेट्स सी अब क्या होता है, रिपोर्ट हमें हाथों हाथ मिल जाएगी यहाँ पे, तो रिपोर्ट भी आपको दिखाऊँ तो कि हम चारों की क्या क्या रिपोर्ट आई है। दोस्तों नसीब बहुत अच्छे थे हमारे, हमारी सारी जो सभी लोगों की जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही नॉर्मल आई है। इसे नेगेटिव रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव नहीं आई। अगर अगर रिपोर्ट किसी एक के भी पॉजिटिव आ जाती ना तो भरत भाई को सुसाइड पॉइंट से हम लोग फेंक देते हैं नीचे। इस वक्त हम फिर से होटल की कार में बैठ के वापस रिटर्न जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने कभी BMC की गवर्नमेंट की हॉस्पिटल जो है इतनी अच्छी कभी नहीं देखी, इतनी साफ सुथरी कभी नहीं देखी। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इतनी नीटनेस नहीं देखी। लेकिन महाबलेश्वर की हॉस्पिटल को देख के भरत को तो ऐसा लगा कि 5-स्टार विला में हम कहीं रिपोर्ट निकाले हुए आए हैं। और बहुत ही क्लीन थी, बहुत ही अच्छी सर्विस थी। 15 मिनट में हमारा रैपिड टेस्ट करके हमें यहाँ से रवाना कर दिया। तो अब जो है हमारा अगला प्रोग्राम जो है ऑन है, नहीं तो हमें सीधा यहाँ से मुंबई के लिए रिटर्न होना पड़ता। तो हम आगे जा रहे हैं तपोला के लिए, जो कि यहाँ से 19 किलोमीटर है, 40 मिनट्स का रास्ता है। मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो सीधे होटल जाएंगे, वहाँ से हेलमेट और बाइक की चाबी लेके सीधे वहाँ से तपोला की ओर रवाना होंगे। होटल का माहौल इस वक्त इतना अच्छा है कि आप देखिए कितना फॉग ही फॉग है। ब्यूटीफुल लोकेशन पे हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। मैं इगतपुरी को बहुत मिस कर रहा था लास्ट एक वीक से, लेकिन यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से एक बार इगतपुरी जैसी किसी ब्यूटीफुल लोकेशन पे आ चुका हूँ। बहुत ही फॉग और हल्की हल्की सी बारिश और बहुत ही खुशनुमा माहौल है। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और 7:30 बजे अंधेरा हो जाता है और इस वक्त करीब करीब यहाँ बज चुके हैं 5:20। तो हम लेट हैं पर फिर भी हम जाएंगे। और अगर आज लेट पहुँचे या हमें अच्छा सा व्यू देखने नहीं मिला, ट्रैकिंग करने नहीं मिली, बोटिंग करने नहीं मिली, तो हम कल सुबह वापस यहाँ पे आने वाले, क्योंकि लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। तपोला को जो है महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है।
हम जो है लेक के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे विशाल बोट क्लब तापोरा लिखा हुआ है, पर आई थिंक इस सीज़न में ये जो बंद है तो हमें शायद यहाँ से घूम के वापस थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। हम इंक्वायरी कर लेते हैं, क्या पोजीशन है इस वक्त। जो है सीधा हम बाइक लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं, रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, ऑफ रोड है एकदम। मैं नहीं पता कि हम यहाँ से कितना आसानी से ले जा पाएंगे, लेकिन सामने जो है ब्यूटीफुल लेक का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो रिस्क लेके हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, और वहाँ पे बोट भी है, जैसा कि हमें यहाँ पे एक बंदे ने कहा है कि वहाँ से हम उनकी बोट लेके भी जा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि भाई यहाँ तक आए तो हम बोटिंग ज़रूर करेंगे। इससे खूबसूरत बाइक राइड मैंने आज तक नहीं की है, फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन आज का ये दृश्य, आज का ये व्यू, आज की ये जगह ने मेरा दिल को जो है अंदर तक मेरे आत्मा को छू लिया है। दोस्तों इस वक्त हम सीधे तापोला गांव के पास मौजूद इस लेक पे आए हैं, और लेक का जो व्यू है वो तो आपने देख ही लिया है कि कितना खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। और यहाँ पे जो है स्पीड बोट है, पावर बोट है, और छोटे धीमे से चलने वाली बोट भी है, लेकिन हमने यहाँ पे एक पावर बोट ली है जिसकी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। और आज का ये एक्सपीरियंस जो है बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही हटके होने वाला है। भरत और जीतू जो है वो कल यहाँ पे आने के मूड में थे, और लेकिन मैं आज ही यहाँ पे आने के मूड में था, तो अब उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हमारा डिसीजन बहुत सही था। तो हम धीमे से नीचे उतर रहे हैं यहाँ पे, और उतर के इस बोट में बैठ के आधे घंटे की राइड करेंगे, और राइड का जो पूरा वीडियो है वो भी शूट होने वाला है, और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये रही मेरे सामने, सभी लोग जाके बैठ चुके हैं, सिर्फ मेरा ही बैठना बाकी है, तो मैं भी बस अंदर जाके बैठ के अब ये बोट का इंजॉय करूँगा। दोस्तों बहुत ही एंजॉय किया इस बोटिंग राइड में, अब यहाँ से मजा आया दोस्तों, बहुत ओके। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद में अब यहाँ से निकले हैं। वैसे हमें यहाँ के जिन्होंने बोट चलाई थी उन्होंने हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, और उन्होंने हमसे कहा है कि अगली बार जब कभी भी आप तापोला आओ तो ऑनलाइन बुकिंग मत कीजिएगा, उन्हें डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, सभी रेट्स में डिस्काउंट मिलेगा। और अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता दूँ कि 1500 रुपया पर नाइट के यहाँ पे स्टे के ऐसे बहुत से कॉटेजेस मिलते हैं, और उस 1500 रुपये में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्लस कयाकिंग भी इंक्लूड। हाँ यस, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ में कयाकिंग भी कॉम्प्लीमेंट्री, और कैंप फायर भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो तापोला एक ऐसी जगह जिसके बारे में मुंबई में मैं समझता हूँ बहुत ही कम लोगों को पता है, या जिनको पता है वो आना नहीं चाहते क्योंकि वो नेचर के साथ रहना नहीं चाहते, लग्जरी प्रॉपर्टी वाले लोग हैं। तो लग्जरी प्रॉपर्टी में अगर आपको रहने की इच्छा है तो आपके लिए तापोला काम का नहीं है, लेकिन अगर नेचर के साथ में अगर आपको रहना है तो तापोला से खूबसूरत और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। ये दोस्तों अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है, रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, अगर फॉग हुआ तो बाइक चला के जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। और यहाँ पे जिस स्लोप से हम नीचे उतरे थे, वो स्लोप भी बहुत ख़तरनाक है, तो ऐसे माहौल में वापस जाना भी मुझे थोड़ा सा टेंशन लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो स्टीफ रोड था, और बाइक की हाइट जो है मेरी इसकी एडवेंचर की वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे हालात में उस पर राइड करके जाना ये बहुत ही रिस्की है मेरे लिए। लास्टली ओके आई डिड इट ओके, तो हम ऊपर आ चुके हैं,
मुझे बहुत टेंशन था इस स्लोप के ऊपर बाइक चढ़ा के ऊपर की ओर आने का, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हो चुका है, तो थैंक गॉड। अब जो है वापस होटल में जाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं और हम तीनों जो है, मैं, जीतू भाई और भरत, तीनों एक बार वॉक के लिए महाबलेश्वर की गलियों में निकले हैं। और लग रहा है ऐसा कि 6 बजे अभी 6 पीएम और लग ऐसा रहा है 10 बजे, ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बजे हैं। पूरी तरह से फॉग है हर जगह पे। हाँ, यकीन मानिए दोस्तों इस वक्त सुबह के 6 नहीं बल्कि 10 बजे है, 10:30 बज चुके हैं इस वक्त और हम लोग वॉक करने के लिए निकले हैं। और रीज़न ये दोस्तों कि कल जब हमने बाइक राइडिंग की थी तो इसी तरह फॉग में होते हुए हमने बाइक राइड की थी, लेकिन हमने वॉक नहीं की थी तो वॉक का जो मजा था हमारा कल का वो बाकी रह गया था। तो उसी शौक को पूरा करने के लिए, उसी इन्जॉयमेंट को और ज़्यादा इन्जॉय करने के लिए हम तीनों जो है इस वक्त सुबह महाबलेश्वर की गलियों गलियों में घूम के फॉग का, हल्की हल्की बारिश का और एक दूसरे के साथ बातें करके इन्जॉय कर रहे हैं। बराबर है जीतू भाई? Yeah. मज़ा आ रही है। ये कैक्टस इंडिया का फर्स्ट कैक्टस लंबा हाइट में। और ये कौन सा? और ये कैक्टस। ओके, तो इस वक्त भरत ने मुझे एक चीज बताई जो मुझे भी नहीं पता थी और मैं नहीं समझता हूँ कि महाबलेश्वर में आने वाले सभी लोगों को पता होगी। लिम्का बुक में हमारे सामने इस वक्त एक कैक्टस का पेड़ है जो कि इंडिया में इंडिया में नंबर वन है। हाँ, इंडिया में सबसे बड़ा हाइट में कैक्टस का पेड़ है ये, जो इस वक्त आप मेरे ठीक सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इतना बड़ा कोई भी पेड़, कोई भी कैक्टस का पेड़ पूरे इंडिया में नहीं है। आपको ये देखना है तो आपको भी हमारी तरह महाबलेश्वर आके ही देखना पड़ेगा। तो मार्केट में स्ट्रॉबेरी ड्यू के बाहर खड़े हैं। अगर आप महाबलेश्वर आते हो और स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक ना पियो और स्ट्रॉबेरी क्रीम ना खाओ तो महाबलेश्वर आने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज़ यहाँ की स्ट्रॉबेरी जो है बहुत ही फ्रेश होती है और बहुत ही स्वीट होती है। बट मानता हूँ कि इस वक्त जो है बारिश में स्ट्रॉबेरी की सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और इसे खाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इस वक्त जीतू भाई के पास में जो है, जीतू भाई अपने हाथ में स्ट्रॉबेरी क्रीम लेके खड़े हैं जो कि बहुत ही कैलोरी वाली आइटम है, लेकिन बहुत ही फेवरेट और बहुत ही टेस्टी है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है और जीतू भाई को भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी है। तो हम लोग अभी एक स्ट्रॉबेरी क्रीम खाएंगे और एक स्ट्रॉबेरी जूस का ऑर्डर हमने किया है, अंदर मिल्क शेक का ऑर्डर किया, तो वो भी हम खा पी के यहाँ से निकलेंगे। ये जो इस वक्त सामने आप देख रहे हो जगह वो है टेबल लैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वहाँ पे लोग जो है हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं और लोकेशन इतना मस्त है कि वहाँ पे फोटोग्राफी का भी बहुत मज़ा आता है। तो हमने भी सोचा कि अब हम यहाँ से सीधा एक बार टेबल लैंड पे जाएंगे और वहाँ से फोटोग्राफी करके हम जो है सीधा पूना की ओर चलेंगे। तो दोस्तों आपको ले चलता हूँ सीधा इस वक्त यहाँ से टेबल पॉइंट की ओर। चलो, तो इस वक्त हम जो है टेबल लैंड पे आ चुके हैं। यहाँ आने की खास वजह है कि मुझे फ़ोटोग्राफी करनी थी यहाँ पे बाइक के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में। जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोग्राफी करने का बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम यहाँ से होते हुए जितना दूर जाना पॉसिबल होगा उतना दूर जाएंगे और अच्छे लोकेशन पे जाके ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो है वो क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू जो है वो मैं GoPro से कैप्चर करके दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है। लोग यहाँ पे जो काफ़ी है वो नीचे उतरे भी है अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए। थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इस तरीके से नीचे उतरना और फ़ोटोग्राफ क्लिक करना बारिश के मौसम में, बट किसी को रोका नहीं जा सकता और मैं भी रोके रुकता नहीं हूँ। बट देखिए कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल सा व्यू है इस वक्त यहाँ पे। सामने जो है वो कोयना डैम है जहाँ से हमारे घरों पे पानी आता है। लास्ट तानसा लेक में आपको लेके गया था लास्ट मोटो व्लॉग में, तो वो भी उसी में से एक है। महाराष्ट्र में ऐसे 7 लेक है जहाँ से पूरे महाराष्ट्र में पानी सप्लाई होता है। दोस्तों कुछ लोग बातें करते हैं कि मरने के बाद जन्नत नसीब होगी, मरने के बाद स्वर्ग नसीब होगा। मुझे ये तो नहीं पता कि मरने के बाद किसे स्वर्ग मिला और किसे नरक मिला, किसे जन्नत मिली, ये मुझे भी नहीं पता और आप में से किसी को भी नहीं पता। और जो लोग ये बातें करते हैं उनको भी नहीं पता कि मरने के बाद जन्नत नसीब होती या नहीं होती। लेकिन हाँ, जीते जीते
मैंने जन्नत देखी है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जन्नत बताई है और इस बात के गवाह मेरे साथ इस वक्त राइड करने के लिए 3 लोग और भी इस बात के गवाह हैं कि मरने के बाद तो पता नहीं पर जीते जीते जन्नत होती है और जीते जीते जन्नत देखी जा सकती है। और वो तीनों भरत, जीतू भाई और गौरेश इस बात के गवाह है कि हमने जन्नत देखी है। दोस्तों, जन्नत देखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी नज़रें है जो उठा के आसपास थोड़ी दौड़ानी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ता है, राइट और रॉन्ग के चक्कर में ना पड़ के जो आपको सही लगे, जो आपको खुशी दे वो राइट है, जो आपको दुख दे, जो आपको बंधन दे वो रॉन्ग है। इसी बात को आप समझे और अपनी ज़िंदगी को जिए। बाकी मैं कहता हूँ दोस्तों, जन्नत मरने के बाद ऊपर है या नहीं किसी को पता नहीं, लेकिन जीते जी इस धरती पर चारों ओर जन्नत है, चारों ओर स्वर्ग है। सिर्फ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की देरी है, सिर्फ आपको एक बैग पैक करके कोई आपके साथ आए ना आए घर से निकलने की ज़रूरत है। आप भी यकीनन इस वीडियो के माध्यम से जन्नत देख पाओगे, लेकिन जितना मैंने इस वक्त यहाँ पर रह के उसे फील किया है वो फील आप इस वीडियो के माध्यम से उतना डिटेल में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको भी उसी चीज़ को फील करना है जो मैंने और मेरे दोस्तों ने इस राइड के दरमियान इस वक्त तापोला में और महाबलेश्वर में फील किया है, तो आपको भी अपने घर से निकलना पड़ेगा। दोस्तों, बादलों का सीना चीर के हमने बाइक राइडिंग की है, ये बिल्कुल वैसा ही फील था कि बादलों का सीना चीर के हम रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है ज़िंदगी में, इससे बड़ी खुशी आपको और क्या हो सकती है ज़िंदगी में। दोस्तों, सच कहूँ तो एक्सट्रीम गर्मी में मैंने बाइक राइड कर ली है, कोकण की राइड एक्सट्रीम गर्मी में, एक्सट्रीम बारिश और एक्सट्रीम फॉग में, ज़ीरो विजिबिलिटी में मैंने बाइक राइड कर ली है। अब सिर्फ जो ख्वाहिश बची है वो इतनी है कि मुझे एक्सट्रीम ठंडी में बाइक राइड करनी है, यानी कि लेह लद्दाख में। और उसके बाद अगर आंखें बंद भी हो जाए तो दोस्तों कोई गम नहीं, मैंने मेरी ज़िंदगी जी ली है। और आपसे भी यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, राइट और रॉन्ग के चक्कर में ना पड़कर जो चीज़ आपको खुशी दे, जो चीज़ आपको आज़ादी दे वो चीज़ आप कीजिए और ज़िंदगी जिए। बहुत बहुत धन्यवाद।